नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों नेपोटिज्म पर जबरदस्त बहस जारी है। इसके साथ ही स्टार्स आउटसाइडर्स के साथ होने वाले बुरे बर्ताव पर भी तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर दिग्गज एक्टर गोविंदा ने गुटबाजी के मुद्दे पर आवाज़ उठाई। उन्होंने बताया कि डेब्यू के बाद भी उन्हें क्या क्या झेलना पड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने इन दिनों बॉलीवुड में बन रहे कई कैंप पर भी बात की है। गोविंदा ने कहा कि इस इंडस्ट्री में पक्षपात और गुटबाजी जैसी चीज़ें होती है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। गोविंदा ने कहा, कुछ समय पहले यहाँ सिर्फ उन लोगों को काम मिलता था जो हुनरमंद होते थे। हर फिल्म को थिएटर्स में बराबरी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज के समय में कुछ 4 से 5 लोग ही है जो इस पूरे व्यापार पर तानाशाही करते हैं। गोविंदा ने आगे कहा, वही फैसला करते हैं कि कौन सी फिल्म को अच्छे से थिएटर में रिलीज किया जाए और कौन सी को नहीं। मेरी खुद की अच्छी फिल्मों को थिएटर्स में ठीक से रिलीज नहीं होने दिया गया, लेकिन अब चीज़ें बदल रही है। वहीं नेपोटिज्म की बहस के बीच अपनी बेटी टीना आहूजा के इंडस्ट्री में आने को लेकर गोविंदा ने कहा, मैंने उसके लिए कभी कोई बात नहीं की। अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद उसके लिए चीज़ें कुछ अलग हो सकती थी। वह अपना रास्ता खुद बनाने में विश्वास रखती है, लेकिन वह सफलता तभी हासिल कर पाएगी जब उसका समय आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।